friend, this is Rishabh sir. Today we are going to learn subject science for class 2, chapter number 6. Our chapter name is Think Food First. तो हम लोग यहाँ पर फूड के बारे में पढ़ेंगे कि फूड की क्या नीडनेस है हमारे लाइफ में. फर्स्ट, व्हाट डू वी नीड, वी आर फील हंग्री. अगर हम लोग हंग्री फील करते हैं तो हमें किसी की जरूरत होती है, वी नीड फूड. हम लोग को किस जरूरत है, फूड की जरूरत पड़ती है. अगर हम लोग हंग्री फील करते हैं, भूखा फील करते हैं, तो हमें किसी की जरूरत होती है, हमें फूड की नीड्स है. फूड मेक और बॉडी ग्रो. ठीक है, फूड क्या करता है, हमारी बॉडी को ग्रो करता है. ठीक है, इट कीप अस हेल्दी, और हमें हेल्दी रखता है. फूड हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करता है और हमारी बॉडी को हेल्दी रखता है. इट गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले, और हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है, एनर्जी देता है काम करने के लिए, वर्क करने के लिए एंड प्ले करने के लिए. ठीक है, प्ले करने के लिए और वर्क करने के लिए, ये क्या है, फूड. तो जब भी हमें हंग्री फील होता है तो हम लोग को फूड की जरूरत होती है, क्योंकि फूड हमें क्या करता है, एनर्जी देता है वर्क करने के लिए एंड प्ले करने के लिए. मोस्ट ऑफ आवर फूड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स. जो मोस्ट ऑफ फूड्स है, जो हम लोग खाते हैं फूड्स को, उनमें से जो मोस्ट ऑफ द फूड है वो प्लांट और एनिमल्स से ही हमें गेट होते हैं. अब नेक्स्ट पॉइंट है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड्स हेल्प अस इन डिफरेंट वेज. जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड हम लोग खाते हैं, जैसे राइसेस, पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क, एग, ये डिफरेंट टाइप के फूड हम लोग खाते हैं, तो ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम लोग को हमारे बॉडी में हेल्प करते हैं. तो आइए हम लोग इसको देखते हैं कि कौन कौन से फूड आइटम किस किस में हेल्प करते हैं हमें. फर्स्ट हमारा है, सम फूड हेल्प अस ग्रो. कुछ ऐसे फूड्स हैं जो हमें ग्रो करने में, हमारी बॉडी को ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं, हमारी बॉडी को बढ़ने में हेल्प करते हैं. फूड लाइक मिल्क, एग एंड दाल हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो. फूड जैसे कि मिल्क, एग, दाल, यानी कि पल्सेस को ही दाल बोलते हैं, ये क्या हेल्प करते हैं, ये हमारे बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं. दे मेक आवर बोन्स एंड मसल स्ट्रॉन्ग, और हमारे बोन्स और मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं. अब नेक्स्ट हमारा है, सम फूड्स गिव अस एनर्जी, और कुछ ऐसे भी फूड्स हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, एनर्जी देते हैं. फूड लाइक शुगर, बटर, राइस एंड जैगरी. जैगरी भी होता है गुड़, जो चीनी से बनता है गुड़, उसको बोलते हैं. ठीक है, गन्ने से बनता है गुड़ एंड चीनी, तो इसको बोलते हैं जैगरी बोलते हैं उसको. तो फूड जैसे कि शुगर है, बटर है, राइस है और जैगरी, ये हमें क्या देते हैं, ये हमें एनर्जी देते हैं. वी यूज दिस एनर्जी फॉर वर्किंग एंड प्लेइंग, और इस एनर्जी का इस्तेमाल हम लोग किस लिए करते हैं, इस एनर्जी का इस्तेमाल हम लोग वर्किंग के लिए, काम करने के लिए और खेलने के लिए, प्ले करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं. तो यहाँ पर हमने देख लिया यहाँ पर कि कुछ जो एनर्जी है, कुछ फूड आइटम हमें ग्रो करने में हेल्प करते हैं, कुछ हमें एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं. सो स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट टॉपिक इज सम फूड कीप अस हेल्दी. कुछ ऐसे भी फूड्स होते हैं जो हमें हेल्दी रखते हैं. ठीक है, तो आइए देखते हैं. फूड लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रिवेंट अस फ्रॉम फॉलिंग सिक. फूड्स जैसे कि वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, ये क्या करते हैं, प्रिवेंट से बचाना. ठीक है, किससे बचाते हैं, हमें बीमार पड़ने से, फॉलिंग सिक मींस बीमार पड़ने से हमें क्या करते हैं, हमें प्रिवेंट करते हैं, बचाते हैं. कौन से फूड्स आइटम, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. ठीक है, वी नीड टू ईट सम ऑफ दिस फूड एवरी डे. इस टाइप के जो फूड है हम लोग को एवरी डे खानी चाहिए. ठीक है, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स को, क्योंकि हमारी बॉडी सीक हो जाती है, यानी बीमार पड़ जाती है, तो उससे बचने के लिए, प्रिवेंशन ऑफ सिकनेस से बचने के लिए क्या है कि हम लोगों को फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एवरी डे खाना चाहिए. एक्सरसाइज एंड योगा ऑल्सो कीप अस टू स्टे फिट एंड हेल्दी. फूड आइटम्स के साथ साथ एक्सरसाइज, सम एक्सरसाइज एंड योगा जो होता है वो भी हमारे बॉडी को क्या करते हैं, फिट एंड हेल्दी रखते हैं. ठीक है, तो वी टेक एक्सरसाइज एंड योगा एवरी डे. नेक्स्ट पॉइंट है, हेल्दी ईटिंग हैबिट. अब हम लोग देखेंगे, ईटिंग तो सभी करते हैं, एवरी पर्सन, लेकिन कुछ हेल्दी ईटिंग हैबिट्स भी होते हैं. ठीक है, किस तरीके से हम लोग को खाना चाहिए, कैसे फूड आइटम को खाना चाहिए, कैसे नहीं, कितने टाइम पे खाना चाहिए, ये सब हम लोग यहाँ पर देखेंगे ईटिंग हैबिट्स में, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स में. फर्स्ट पॉइंट है, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स में वी मस्ट वॉश अवर हैंड एंड माउथ बिफोर एंड आफ्टर मील. देखिए, अपने हैंड्स को और माउथ को आफ्टर एंड बिफोर मील, यानी बिफोर मील, खाने से पहले और खाने के बाद हम लोग अपने हैंड और माउथ को वॉश कर लेना चाहिए. ये
हेल्दी ईटिंग हैबिट्स है। उसके बाद सेकंड है वी मस्ट ईट स्लोली एंड च्यू अवर फूड वेल। हम लोगों को अपने फूड आइटम्स को स्लोली स्लोली क्या करना चाहिए, खाना चाहिए, स्लोली च्यू करना चाहिए। च्यू मींस होता है चबाना, अपने टीथ से स्लोली स्लोली च्यू करना चाहिए और उसको अच्छे से खाना चाहिए। नेक्स्ट है वी मस्ट नॉट ईट अनकवर्ड फूड। हम लोग को अनकवर्ड फूड यानी कि कवर, बिना कवर किए हुए फूड को, बिना ढके हुए फूड आइटम्स को नहीं खाना चाहिए। सोल्ड बाई हॉकर्स, जो हॉकर्स सोल्ड करते हैं, जो बेचते हैं दुकानदार, जैसे कि हम लोग बाजार में जाते हैं या हमारे गली में आता है जो बेचने वाला हॉकर्स आता है या फिर दुकानदार जो बेचते हैं, वो अनकवर्ड अगर फूड आइटम बेच रहा है तो हम लोग को वैसे फूड आइटम्स को नहीं खानी चाहिए। बिकॉज इट मे बी डस्ट डर्ट एंड जर्म्स, क्योंकि उसमें डस्ट हो सकता है, डर्ट हो सकता है, जर्म्स हो सकते हैं, ठीक है, अनकवर्ड फूड में। इट कैन मेक अस सिक, जो हमें बीमार डाल सकते हैं, बीमार पड़ा सकते हैं। नेक्स्ट है वी मस्ट हैव आवर मील एट फिक्स्ड आवर एवरी डे। हम लोग को पर डे जो है एक फिक्स्ड आवर पर ही अपने मील्स को टेक करना चाहिए। एक फिक्स्ड आवर, जैसे कि ब्रेकफास्ट करना है तो एक टाइमिंग होनी चाहिए, फिक्स टाइमिंग। डिनर करना है तो, या फिर लंच करना है तो फिक्स टाइमिंग पे होनी चाहिए। उसके बाद आता है वी मस्ट नेवर स्किप ब्रेकफास्ट। हम लोग को ब्रेकफास्ट अपने स्किप नहीं करनी चाहिए कभी भी, क्योंकि जब हम लोग नाइट में जब स्लीप करके उठते हैं तो हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा लॉट्स ऑफ एनर्जी की जरूरत होती है। दिन भर काम करने के लिए हम लोग को लॉट्स ऑफ एनर्जी की जरूरत होती है, जिससे हम लोग को ब्रेकफास्ट को कभी स्किप नहीं करना चाहिए, ब्रेकफास्ट को ऑलवेज लेना चाहिए। वी मस्ट ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। हम लोग को पानी ज्यादा मात्रा में पीनी चाहिए, ठीक है, जिससे कि डाइजेशन सिस्टम भी हमारा अच्छा रहता है। उसके बाद नेक्स्ट वी मस्ट नॉट वेस्ट फूड। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है कि फूड को वेस्ट ना करें, हम लोग फूड आइटम्स को वेस्ट ना करें, या कुक फूड हो या फिर अनकुक्ड फूड हो, पका हुआ खाना हो या फिर बिना पका हुआ खाना, दोनों ही को क्या करना चाहिए, अच्छे से इसको प्रिवेंट करना चाहिए, वेस्टिंग से बचाना चाहिए। सो स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम लोग ईटिंग हैबिट्स के बारे में जान गए अच्छे से कि कौन कौन से ईटिंग हैबिट्स को अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो हम लोग हेल्दी रह सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट टॉपिक इज हेल्दी टीथ। वी च्यू एंड बाइट अवर फूड विद द हेल्प ऑफ टीथ। हम लोग अपने फूड आइटम्स को च्यू करते हैं यानी चबाते हैं और बाइट करते हैं, काटते हैं, किससे, टीथ से। अगर हमारे पास हेल्दी टीथ ही नहीं रहेंगे तो हम लोग अच्छे से प्रॉपरली ना च्यू कर पाएंगे ना ही बाइट कर पाएंगे, और फूड खाने में भी हम लोग को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। सो आइए हम देखते हैं यहाँ पर हेल्दी टीथ कैसे, टीथ को हेल्दी कैसे बनाया जा सकता है, कौन कौन से ट्रीटमेंट किया जाए जिससे कि टीथ हमारा जो है वो हेल्दी हो जाए। फर्स्ट आता है, देखिए, ब्रश योर टीथ इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट। अपने टीथ को ब्रश करना होगा, कब कब, दो टाइम्स, मॉर्निंग में एंड नाइट में, ठीक है, दो टाइम्स ब्रश करना पड़ेगा अपने टीथ को। बिकॉज ब्रशिंग हेल्प टू क्लीन द बाइट्स ऑफ फूड स्टक बिटवीन आवर टीथ। क्योंकि ब्रशिंग क्या करता है कि हमारे फूड आइटम हमारे टीथ के बीच में, दो टीथ के बीच में जो फूड आइटम्स जो, ठीक है, बाइट्स ऑफ फूड स्टक, बाइट्स ऑफ फूड स्टक, देखिए जो स्टक होते हैं यानी कि छोटे छोटे फूड आइटम्स के जो टुकड़े होते हैं, जब हम लोग च्यू करते हैं तो छोटे छोटे फूड के टुकड़े दो टीथ के बीच में जाकर के फंस जाते हैं, ठीक है, स्टक हो जाते हैं, तो उनको निकालने के लिए ब्रशिंग किया जाता है, उनको क्लीन करने के लिए ब्रशिंग किया जाता है, जिससे क्या होता है कि हमारा टीथ हेल्दी होगा। सेकंड है, टू मेनी चॉकलेट्स एंड स्वीट्स आर हार्मफुल फॉर आवर टीथ। ज्यादा, टू मेनी चॉकलेट्स, टू मीन्स होता है ज्यादा, टू मेनी मतलब बहुत ज्यादा, तो बहुत ज्यादा मात्रा में चॉकलेट एंड स्वीट्स आइटम जो है वो हम लोग को ज्यादा नहीं खानी चाहिए, क्योंकि ये हमारे टीथ के लिए हार्मफुल होता है। नेक्स्ट, टू मेनी बर्गर पिज्जाज वेफर्स एंड कोलास आर हार्मफुल फॉर आवर टीथ एंड हेल्थ। टू मेनी जो फूड आइटम्स होते हैं जो हम लोग बाहर में जाते हैं खाने के लिए रेस्टोरेंट वगैरह में, पिज्जा बर्गर वेफर्स एंड कोलास जो हम लोग पीते हैं, वो सब जो क्या है हमारे टीथ और हेल्थ के लिए, अगर बहुत ज्यादा इस्तेमाल, बहुत ज्यादा अमाउंट का लोग इस्तेमाल करते हैं, इसका यूज करते हैं, तो क्या होगा कि ये हमारे बॉडी, हमारे टीथ और हमारे पूरा होल बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए हार्मफुल है। दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड जंक फूड। इसीलिए इन लोगों को, इन सभी फूड आइटम को क्या कहता है, जंक फूड कहता है, पिज्जा बर्गर कोलास वेफर्स इन सबको जंक फूड कहा जाता है, क्योंकि ये ज्यादा मात्रा में खा लेने से क्या होता है कि हमारा बॉडी जो है वो अनहेल्दी हो जाएगा, हमारे टीथ जो है अनहेल्दी हो जाएंगे। सो अब नेक्स्ट है, टू कीप आवर टीथ हेल्दी। अपने टीथ को हमेशा हेल्दी रखिए। वी मस्ट विजिट द डेंटिस्ट रेगुलरली। हम लोगों को डेंटिस्ट से रेगुलरली चेकअप कराते रहना चाहिए, डेंटिस्ट के पास विजिट करते रहना चाहिए हमेशा, ताकि हमारा जो टीथ है वो हेल्दी है या नहीं, या फिर उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है। सो यहाँ पर हमने देख लिया कि टीथ, हेल्दी टीथ कैसे हम लोग बना सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जाकर के हम लोग का जो चैप्टर वो एंड हो चुका है।
अब देखते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स जो इस चैप्टर में दिए हुए हैं उसको हम लोग नोट डाउन कर लेंगे अपने कॉपी पर। फर्स्ट है स्लोली, स्लोली देखिए स्लोली भी होता है धीरे धीरे, इससे बताया गया था ना कि स्लोली स्लोली चीव करना है अपने फूड आइटम्स को, तो ये वर्ड आया था स्लोली भी होता है धीरे, चीव चीव में होता है चबाना, मील मील में होता है भोजन, सिक सिक में होता है बीमार, प्लेंटी प्लेंटी मीन्स ज्यादा बहुत ज्यादा, हार्मफुल नुकसानदायक, एक्सरसाइज मीन्स होता है व्यायाम, हंग्री हंग्री मीन्स भूखा, एंड ग्रो ग्रो मीन्स होता है बढ़ना। सो स्टूडेंट्स आफ्टर आवर चैप्टर कंप्लीटेड अब हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है, एक्सरसाइज के टिक आउट वाले क्वेश्चन आंसर और मैच द कॉलम के क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन आंसर दिए हुए उनको भी सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट, फर्स्ट में ए नंबर में है टिक द करेक्ट आंसर, ठीक है, इसमें जो ऑप्शन सही होंगे उसमें टिक आउट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू स्टे अलाइव वी नीड, हम लोग को अलाइव रहने के लिए किसी जरूरत है, टॉयज की क्लॉथेस की या फिर फूड की, इसका आंसर क्या हो जाएगा फूड। नेक्स्ट है सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स शुड बी ईटन, वेजिटेबल्स एंड जो फ्रूट्स है उनको कब खाना चाहिए, एवरीडे खाना चाहिए या फिर संडे को या फिर हॉलीडे को, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा एवरीडे, जैसे कि हम लोग चैप्टर में पढ़ चुके हैं। थर्ड नंबर वी शुड नॉट ईट टू मेनी चॉकलेट्स एंड स्वीट्स एज दे आर बैड फॉर अस, फॉर अस आईज ईयर्स और टीथ, टू मेनी चॉकलेट्स एंड बर्गर्स वगैरह खाने से क्या होता है कि हमारे जो टीथ है टीथ डैमेज हो जाते हैं, तो इसका ऐसे क्या होगा टीथ हो जाएगा। अब आते हैं मैच द कॉलम वाले, बी नंबर में मैच द कॉलम, ठीक है, दोनों तरफ के जो है सेंटेंसेस उनको मैच करा रहे हैं। फर्स्ट में दिया चीव योर फूड, चीव योर फूड, तो ये इसका हो जाएगा वेल, चीव योर फूड वेल। दूसरा है डू नॉट ईट, डू नॉट ईट अनकवर्ड फूड, डू नॉट ईट अनकवर्ड फूड। थर्ड नंबर देखिए वी मस्ट ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, वी मस्ट ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। फोर्थ नंबर लास्टली विजिट योर डेंटिस्ट, विजिट योर डेंटिस्ट रेगुलरली, ये हो गया इसका। तो यहाँ पर हमारा ए और बी नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। तो स्टूडेंट्स और नेक्स्ट क्वेश्चन इज सी नंबर, आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ कुछ आंसर दिए हुए हैं, इनके क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनके आंसर हमको देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू वी नीड टू ग्रो, ठीक है, ग्रो करने के लिए क्या चीज चाहिए, वी नीड फूड, हम लोग को फूड चाहिए, फूड मेक्स और बॉडी ग्रो, फूड जो है वो हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करता है। सेकेंड थिंग व्हाट डू वी यूज एनर्जी फॉर, एनर्जी किस लिए चाहिए, एनर्जी यूज फॉर वर्क एंड प्ले, एनर्जी प्ले एंड वर्क के लिए चाहिए। थर्ड क्वेश्चन व्हाट शुड वी डू बिफोर एंड आफ्टर मील, बिफोर एंड आफ्टर मील हम लोग को क्या करना चाहिए, वी मस्ट वॉश आवर हैंड्स एंड माउथ बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील। फोर्थ नंबर वी शुड यूज वी शुड बी नॉट वाई शुड बी नॉट ईट जंक फूड, हम लोग को जंक फूड क्यों नहीं खानी चाहिए, बिकॉज जंक फूड्स आर हार्मफुल फॉर आवर टीथ एंड हेल्थ। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने हमारे सारे क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हो चुके हैं, आई होप जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़ाए फूड से रिलेटेड वो सारे आपको क्लियर हो चुके होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।